Shotu, huh? Shotu, Shotu, eh? Pyare pyare Shotu, eh? Shotu, 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 Shotu. ये दूध ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं कि मम्मा आई हैं। दूध ढूंढ रहे हो क्या? मम्मा थोड़ी ना है ये तुम्हारी। हाँ मम्मा थोड़ी ना है, मम्मा बाहर गई है। हाँ मम्मा तो बाहर चली गई है। शेरू देखो, शेरू देखो, शेरू को देखो, शेरू देखो, छोटे छोटे बेबी हैं। आओ आओ शेरू, आओ आओ छोटे बेबी देखो, आके आओ। ये देखो छोटे बेबी देखो, ये देखो लाजा लाजू है, छोटू छोटू है, छोटू छोटू। हाँ डुप्पू में चलो छेड़ू पास बैठो, छेड़ू के पास बैठो, चलो चलो छेड़ू के पास बैठ जाओ। चलो छेड़ू देखो, छोटा बेबी आया है। देखो छेड़ू क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? शेरू नीचे आ गए। अरे आओ आओ नीचे आओ, आओ 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 कि मम्मा आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। अरे कहाँ जा रही हो? बैठ गए। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा चेहरा आपको बहुत ज़्यादा सुंदर सा लग रहा, क्योंकि अभी अभी मैं जस्ट सो करके उठी हूँ। उसका कारण ये, ऐसा नहीं कि सुबह हुई है, इस समय बज रहे हैं दोपहर के 3। तो मैं सो गई थी क्योंकि मम्मी और दीदी जा चुकी हैं, तो उनके जाने के बाद से मुझे लगा उनके जाने के साथ साथ मेरी सारी शक्ति भी उनके साथ चली गई, और मैं इतना अपने आप बिल्कुल अकेला सा महसूस करने लगी, और जैसे लगा घर बिल्कुल खाली खाली सा हो गया। बच्चे भी सो गए और मैं भी चुपचाप लेट गई, रजाई में ओढ़ के सो गई, और अभी बिल्कुल उठी हूँ। तो आज मैंने कोई मॉर्निंग रूटीन भी शूट नहीं किया था, जो भी शूट किया वो आप लोगों को दिखा दिया है। और लगा घर बिल्कुल खाली हो गया है, कोई भी नहीं है। जब कोई आ जाता है और उसके बाद जाता तो घर बहुत ज़्यादा खाली खाली और सुंदर सा लगने लगता है। तो आज मेरे साथ भी यही हुआ। मम्मी और दीदी के आने के बाद घर में बहुत ज़्यादा चहल पहल हो गई थी, और हम लोग बहुत रात तक जागते रहे। ऐसा हम लोगों के संग अक्सर होता है कि जब हम लोग पूरी फैमिली इकट्ठी होती है तो कई बार तो क्या होता है, हम लोग पूरी नाइट नहीं सोते हैं, और बातें होती हैं और हर्षोल्लास, मतलब खूब मस्ती करते हैं। तो कल वो सब तो नहीं हुआ, लेकिन बातें करते रहे काफ़ी देर तक, करीब 2 बज गया था। 2 बजे के बाद हम लोग जा कर के लेटे, तो वही सब चीज़ें दिमाग में रहती हैं कि कोई आता है तो कितना अच्छा लगता है, और जब कोई जाता है तो फिर घर को सुना करके भी छोड़ जाता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ, और मैं बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस कर रही थी, तो इसलिए आज कोई भी शूट आप लोगों को नहीं दिखा पाई। दोपहर का समय है और अब मैं बढ़ गई हूँ कुछ कलाकारी करने के लिए। तो उसके लिए मैंने यूज़ की है, देखिए इस तरीके की रेड कलर की ऊन, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो चलिए देखिए मेरे साथ। देखिए ये है स्वेटर की कैप। तो पहले मैंने इस तरीके से बनाया था, वो सिंपल है, ये तो समझ में भी नहीं आ रहा आपको ये कैप किस तरीके से बनी है। ऐसा ये पूरा स्वेटर था, तो मैंने ये इसके बाजू थोड़े से बड़े थे तो मैंने यहाँ पे सही किया हुआ, और ये देखिए मैंने इस पर इस तरीके से पूरे में लिया। मैंने थोड़ा सा ये अच्छा लगने लगा क्योंकि बिल्कुल पहले प्लेन था, अब 2 रंग का कर दिया। तो ये बस इस तरीके से मैं इसे जो कर दे रही हूँ, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। वो जो है वो गलत हो गया था, तो वो हल्का हल्का सा लूप लेके मैं बना रही हूँ, बस ज़्यादा नहीं बना रही हूँ।
क्रोसिया फंसने लगती है। काफ़ी सालों बाद मैंने क्रोसिया यूज़ की है। जब कई काफ़ी सालों बाद आप पीस को इस्तेमाल करते हो तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है उसमें। देखिए इस तरीके से पूरा मैं कंप्लीट कर दूँगी, थोड़ा ये देखने में अच्छा लगने लगेगा। और इसी तरीके से मैं कैप में भी कर दूँगी तो ये कैप भी देखने में थोड़े अच्छे लगने लगी। ये थोड़ी सी ऊन मेरे पास रखी हुई थी तो बस उसी का मैंने यूज़ किया हुआ है। बाकी के स्वेटर तो मैं बाज़ार के ले आई हूँ, तो अभी मैंने एक नया लाया हुआ वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। फाइनली बन करके हो गया स्वेटर तैयार और कैप बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए मैंने इसमें कुछ नहीं किया, पर देखिए छोटे छोटे से इसमें लूप्स बना दिए हैं और ये देखिए काफ़ी अच्छी लगने लगी है देखने में। और ये कान्हा जी की मेरी ड्रेस मैंने काफ़ी दिनों पहले बनाई थी, तो इसकी ये चीज़ जो थी कान्हा की, जैसे जो जो ये चीज़ बाजू थे मैंने बनाए थे तो वो काफ़ी लूज थे और जिसकी वजह से कान्हा जी को बड़े आते थे। तो मैंने सोचा कि मेरे पास ये रेड कलर की ऊन रखी है और वैसे बिनने का तो कोई सवाल नहीं उठता है, तो काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रही थी कि ऊन कहाँ रखी ऊन कहाँ रखी, फिर मुझे याद आया कि मिल गई। तो रेड कलर की ऊन थी तो मैंने सोचा कि चलिए इसमें कुछ ना कुछ करते, क्योंकि थोड़ा सा कल दीदी और मम्मा को करते देख करके मुझे भी क्रेज जग गया, तो हुआ कि चलिए मैं भी बना लेती हूँ। मुझे देखिए बहुत प्यारी लग रही है, देखिए दो कलर की है। और हालाँकि मैं मार्केट से और भी लाई हूँ, बट कहते हैं ना अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ की बात ही दूसरी होती है। जब आप भगवान जी को अपने हाथ से बनाए हुए कपड़े बनाते हो तो उसका आनंद ही कुछ और ज़्यादातर। और मैं ज़्यादातर माता की ड्रेस भी अपने हाथों से ही बनाती हूँ और कान्हा जी की ड्रेस भी मैं ज़्यादातर अपने हाथों से बनाती हूँ, बाजार की भी लाती हूँ। अब हो रही है डिनर की तैयारी, तो आज डिनर में बनी है तहरी। तो मोस्टली हम लोग तहरी प्याज लहसुन की बनाते हैं, बट आज की तहरी कुछ अलग है जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाई है। तो कुछ चीज़ें हैं वो अक्सर आके किचन में बनाते हैं, जैसे तहरी है और एक पुलाव की रेसिपी है जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी बहुत जल्दी, तो वो भी बनाते हैं। तो उनके हाथ का बना हुआ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो जब वो नहीं भी होते हैं तो लगता है कि नहीं वही बनाए तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ऐसा लगता है उनके हाथ में कुछ ज़्यादा ही टेस्ट आ रहा। तो तहरी मेरी देखिए एक तरफ चढ़ी हुई है और मैं तैयारी कर रही हूँ धनिया वगैरह काटने की। खट 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 कटिंग होने लगी है धनिया की। मुझे इस तरीके से धनिया काटना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ऐसे बहुत बारीक धनिया भी कटती है और जल्दी भी कटती है। तो हरी सब्ज़ी अगर इस तरीके से काटिए तो बहुत फास्ट कटती है। डिनर मेरा बन चुका है, तो डिनर बनी है तहरी। तो ये देखिए कुकर में रखी हुई है तहरी, तभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और जो तहरी बनी है वो गरम मसाले की बनी है, इसमें प्याज और लहसुन नहीं है, सिर्फ गरम मसाले हैं और डेली बेस के मसाले हैं। ये बहुत ही टेस्टी है, तो ये भी मेरे हस्बैंड ने बनाई है, बट मैं सूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे चेहरे पे पैक लगा हुआ था, तो मैं बाकी की प्रिपरेशन उस साइड खड़े होके उधर उधर प्रिपरेशन अपनी जो भी थी वो कर रही थी और वो यहाँ पर खड़े होके मतलब तहरी बना रहे थे। तो सारी चीज़ें मैंने उनको दे दी थी, ये भी आज मैंने मिस कर दिया, सूट नहीं किया कि वो कैसे बना रहे थे, पर अगली बार जरूर ध्यान रखूंगी, पर भूल जाती हूँ क्या होता, बिल्कुल भी दिमाग ये देखिए खुल गया है। तो देखिए आपको गरम मसाले दिख रहे होंगे और इसमें मटर और टमाटर ऐड है, बाकी मैं धनिया डाल दूंगी। तो अब देखिए ये येलो पर ग्रीन कलर कितना खूबसूरत लग रहा है और धनिया को मैं मिक्स कर दूंगी। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि लग रहा है कि बस गर्मा गर्म परस के खा ले। ये हमारा आज रात का डिनर, तो कैसी लग रही है मेरी थाली आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। आज मेरी आंखें बहुत ज़्यादा कड़वा रही हैं क्योंकि शायद नाइट की नींद नहीं पूरी हुई, इसलिए आंखों में कुछ कड़वाहट सी महसूस हो रही है।
क्योंकि अगर आप रात में नहीं प्रॉपर नींद लेते हो तो दिन भर आपका दिन बेकार हो जाता है और थका थका शरीर लगता है। तो वही चीज़ शायद मेरे साथ भी है, क्योंकि बहुत देर तक जागने के, क्योंकि कल पूरा दिन तो दौड़ा भागी ही लगी रही गैस ठंड में, और उसके बाद रात में भी काफ़ी देर तक जागते रहे, तो आज मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा खुमारी चढ़ी हुई है। हाँ बंद कर दो लाइट, लेट हो जाके, हम भी आ रहे हैं। तो डिनर सबका हो चुका है और तहरी बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब बनी थी। ये जो तहरी बनती है वो शेरू को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मटर पुलाव शेरू को बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये तहरी भी बहुत ज़्यादा शेरू को अच्छी लगी, क्योंकि इसमें गरम मसालों का फ्लेवर था तो खुशबू इतनी अच्छी लग रही थी और खाने भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो डिनर कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना किचन पूरा क्लीन कर दिया, यानी जो रात का रूटीन था वो भी कंप्लीट कर लिया है। तो बस अब ठंड में लगता है कि सारा काम करने पर लगता है बट फटाफट रजाई में घुस जाओ और कुछ भी ना करो। तो अब मैं भी जा रही हूँ रजाई में लेटने के लिए, क्योंकि अब मेरे हाथों में ठंड लग रही है। तो बस आज की व्लॉग को बस यहीं पे करेंगे एंड, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे, सपना ख्याल रखें, खुश रहें और मस्त रहें।